अच्छिष्य अनुपमा पे माँ अनुपमा भारी पड़ गई। उन्हें कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत नाराज, बहुत नाराज। नकुल को भी फोन नहीं, उसे क्या फोन लगाऊं मैं? वो बेचारा तो सब कैंसिल करने में लगा होगा, इतने बड़े बड़े थे वो सब काम कर रहा होगा। गुरु माँ को मैं क्या मुँह दिखाऊंगी, किस मुँह से उनसे माफी मांगूंगी मैं? मतलब मेरी तो उनके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैं उनसे क्या मुँह से माफी मांगूंगी? मैंने जो उनके साथ किया है वो कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब आपको फैसले ऐसे ऐसे फटाफट कुछ सेकंड में लेने होते हैं, तब दिल और दिमाग के बीच में जंग हो रही होती है और मैंने दिल को चुना। उन कुछ ही पलों में माँ और शिष्य में से मुझे किसी एक को चुना था, तो मैंने माँ को चुना, माँ को ही चुना। और मैं क्या करती बताइए ना, मैं और क्या कर सकती थी? बार 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 भगवान मुझे इशारे दे रहे थे कि रुक जाओ अनुपमा रुक जाओ। मैं उन इशारों को अनदेखा करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर मैं माया को अनदेखा कैसे कर देती? उसकी बात को अनसुना कैसे कर देती? कैसे करते? ये माँ वापस लौटी है अपनी बेबली के लिए, लेकिन माया के लिए भी, माया के लिए भी माया। मैं अपने आप को संभालूंगी, मैं अपने आप को संभालूंगी, मैं अपने आप को संभालूंगी, छोटी को भी संभालूंगी, उसको भी अच्छे तरह से संभालूंगी। अब आ गई हो तो पता है, लेकिन गुरु माँ उन्हें कैसे समझाओगे? अम्मा आप ठीक है ना? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अनुपमा अहमदाबाद के लिए निकल गई थी, अब तक तो पहुंच भी गई होगी, लेकिन आप हैं कहाँ? ठीक है ना अम्मा? आप फोन उठाइए प्लीज, उनसे बात कीजिए। गुरु का आशीर्वाद सबसे ऊपर, तो गुरु का श्राप उससे भी ऊपर। ये अचानक पावर कट कैसे हो गया? लगता है तूफान आने वाला है। छोटी का है? छोटी मम्मी वो सो रही है, स्टाफ वाली श्रद्धा आंटी है उसके पास। अनुपमा तुम परेशान हो, लेकिन हम सब भी तुम्हारी तुम्हारी चिंता में बहुत परेशान है। अनुपमा प्लीज बताओ कि तुम वापस कैसे आ गए? मम्मी अगर आपको नहीं बताना तो इट्स ओके, हम चले जाते हैं। हाँ अनुपमा, अगर तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए तो ले लो, नो प्रॉब्लम। जानती हो आप सब जानना चाहते हैं, जानने का आप सबका हक है। उस वक्त एयरपोर्ट पे मैं कुर्मा,
कश्यप, मैं चाहती हूँ जो मैंने किया है वो क्षमा के लायक नहीं है। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है गुरु माँ, बहुत दर्द पहुंचा है, मैंने आपको बहुत चोट दी है गुरु माँ, इसलिए आप जो सजा देंगी स्वीकार है, आपकी सजा, आपका गुस्सा सब शर्माते। मालती देवी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे हाथ उठाने की? नहीं अनु, नहीं, ये गलत है। अब न गुरु का रिश्ता रहा है न माँ का, तो गुरु माँ कहने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। तू मेरी सबसे प्रिय शिष्य थी अनुपमा, तेरे लिए मन में कितना प्रेम था, तेरे धोखा देने के बाद भी वो प्रेम बचा रहा, तुझे पैर छुने दिए, तुझे गले लगाया, वो प्रेम की आखिरी दो बूंद थी अनुपमा। अब मन ने कोई प्रेम नहीं बचा है, अब मन खाली हो गया है, उसका सबूत ये थप्पड़ था, तेरा पैर छुना, मेरा गले लगाना, इससे स्नेह खत्म और थप्पड़ से नफरत की शुरुआत। और एक बात याद रखना, आज तूने आखिरी बार मेरे पैर छुए हैं, आज तक तू श्रद्धा से मेरे पैर छूती थी, और अब मेरी शक्ति से मैं तुझे मेरे पैरों पर गिराऊंगी, ये मेरा वादा है अनुपमा। हम आपकी नाराजगी समझते हैं, लेकिन मेरी पत्नी अनु से बात करने का ये कोई ढंग नहीं होता। नहीं अनु, ये गलत है तो गलत है। दिस इज रॉन्ग। अनुज सही कह रहा है अनुपमा, ये तुम्हारी गुरु माँ है, लेकिन तुम भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि कोई गलती हुई और टीचर ने उठा के थप्पड़ मार दिया। इसके कान पे सितार बजाने वाली ये होती कौन है? ये मेरे और मेरे गुरु माँ के बीच की बात है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपने मुझे थप्पड़ मारा, गलत किया, बहुत 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 गलत किया। आपको तो इससे कहीं ज्यादा करना चाहिए था। जो मैंने किया है उसकी सजा बस एक थप्पड़ नहीं हो सकता, इतनी छोटी सी सजा पे खत्म नहीं हो सकता कुमा। आपका गुस्सा, आपकी दी हुई हर सजा सर माथे पर करूंगा। आप जो भी सजा देंगे स्वीकार है, लेकिन बस उससे पहले
एक मौका चाहिए आपके सामने अपने मन की बात रखने का। मैं आपकी आंखों में अपने लिए नफरत देख सकती पर ये दर्द नहीं देख सकती जो जो मैंने आपको दिया है। गुरुमा, एक एक मौका दे दीजिए अपने मन की बात रखने का, बस एक मौका। गुरुमा बोलो बोलो अनुपमा, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? क्योंकि मैं एक माँ हूं। एक माँ, तन मन से माँ हो, अस्तित्व के हर कण कण से माँ हो, मन के हर एक घाव से माँ हो, मन के हर स्वभाव से माँ हो, हर आशा निराशा से माँ हो, मैं तो हर परिभाषा से माँ हो। ये सच है गुरुमा कि आपकी शिष्या ने जो किया वो गलत है, पर ये भी सच है कि इस मां ने गलत नहीं किया है। आपकी शिष्या के मन में दुख है, तकलीफ है, पछतावा है, अफसोस है, ग्लानी है, आंसू है, लेकिन इस मां के मन में अफसोस नहीं है, गर्व है। आपने जो कुछ भी किया उसका आभार जिंदगी पर रहेगा। आपने मुझे उस वक्त संभाला, उस वक्त रास्ता दिखाया जब मैं बिल्कुल टूट गई थी गुरु। आपने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। मैं भी आगे बढ़ना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी, हर औरत की तरह मैं भी आगे आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ना चाहती थी गुरुमा। सब कुछ पीछे छोड़ दिया था मैंने, पर माँ होना पीछे नहीं छोड़ पाई। अपनी बेटी की आवाज को सुनना नहीं छोड़ पाई। एक औरत गलत हुई ताकि एक माँ गलत ना हो। माँ बनने के बाद सिर्फ शरीर में बदलाव नहीं होते, एक औरत की पूरी सोच, उसका मन, उसकी आत्मा, उसका पूरा का पूरा अस्तित्व ही बदल जाता है। औरत जो पहले रहती है वैसी माँ बनने के बाद नहीं रहती। ये बात सारे भले ही ना समझे लेकिन हर माँ जरूर समझेगी, चाहे वो चार दीवारी में रहने वाली माँ हो, या फिर किसी बड़े कंपनी की सीईओ माँ हो, या फिर देश को चलाने वाली कोई बड़ी मंत्री हो, या फिर सृष्टि को बनाने वाली खुद देवी माँ ही क्यों ना हो। माँ तो माँ ही होती है, और बात जब औलाद की आती है तो हर माँ एक जैसी हो जाती है, क्योंकि माँ तो माँ बनकर ही सोचेगी ना, और सबसे पहले माँ अपने बच्चे के बारे में ही सोचेगी, क्योंकि मां के प्राण निकल सकते हैं लेकिन आखिरी सांस तक उसके मन से ममता नहीं निकल सकती, कभी भी नहीं। आपकी कही हुई हर बात याद है गुरुमा, पहले दिन से लेकर आज तक हर एक शब्द याद है, आपकी दी हुई हर शिक्षा याद है गुरुमा, मैं कुछ भी भूली नहीं हूं। रिश्तों की जंजीरों को तोड़कर उठ सकती हो तो ही साइन करना, वरना बाहर का रास्ता तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब भी एक माँ है, पर बस इतना है कि आपका बच्चा आपके सामने नहीं है। गुरुमा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर आपका बच्चा आपके सामने होता ना तो उसकी पुकार सुनकर मुझसे पहले आपके कदम पीछे आ गए होते, क्योंकि आप जितना अपने आप को कठोर दिखाती है ना गुरुमा,
आपका मन उतना ही कोमल है क्योंकि आप ही एक माँ हैं। आपने कभी दिखाया नहीं है, कभी जताया नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया है ना कि आपके अंदर भी प्यार है, ममता है। किसी को तकलीफ में देखकर आपको भी तकलीफ होती है गुरु माँ। उस दिन जब मेरे पैर में चोट लगी थी तब आप भी तो तड़प उठी थी, क्योंकि आपके अंदर भी माँ है गुरु माँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप माँ ऐसी होनी चाहिए, माँ वैसी होनी चाहिए, माँ को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, माँ ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, अक्ल वगरनी हूँ, जिम्मेदार हूँ, गैर जिम्मेदार हूँ। मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं सिर्फ माँ हूँ और मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे आते। अगर मैं अपने तोसु समर स्वीटी की देवकी माँ हूँ तो मैं अपनी बेबली की यशोदा माँ हूँ। अब माँ बन चुकी हूँ तो माँ ही रहूंगी, सबसे पहले सबसे ज्यादा माँ ही रहूंगी। आजकल के जमाने में भले बच्चों के लिए माँ से पहले 10-10 चीजें आती हो, लेकिन माँ के लिए हर जमाने में सबसे पहले बच्चे ही आते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। मतलब अपने मायके में अपनी माँ के पास एक दिन एक्स्ट्रा रहना छोड़ देती है, अपनी सहेलियों के साथ घूमना फिरना छोड़ देती है, मिलना जुलना छोड़ देती है। सामने आसमान हो, पीठ पे पंख लगे हो तो भी आसमान में उड़ना छोड़ देती है, छोड़ देती है उड़ना। कुर्मा मैं भी अपने छोटी के लिए रुक गई। उसकी जो हालत थी ना, ऐसे में मैं क्या कोई भी माँ होती तो नहीं जा सकती कुर्मा। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ अपने ऑफिस में बड़ी से बड़ी मीटिंग छोड़ देती है, लेकिन कभी सुना है कि माँ की वजह से बच्चे ने स्कूल मिस कर दिया हो, या फिर माँ बीमार है इसलिए बच्चा भूखा रह गया हो। मतलब माँ अगर बीमार भी होती है तो भी बच्चे को खाना बनाकर खिलाती है ना, चाहे खुद भूखी रह जाए लेकिन बच्चे को कभी भूखा नहीं रखती। खुद का जन्मदिन भले ही भूल जाए लेकिन बच्चे का जन्मदिन आने से 3-4 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देती है। मैंने किया है अपने बच्चों के छोटे के लिए करना चाहती हूँ कुर्मा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अरे ये तो एक नंबर की अक्कल वगरनी है, इतना बड़ा मौका अच्छा दिया इस गधड़े को, तो ये मौका मिलना ही नहीं चाहिए था, इस मौके के लायक ही नहीं है, अमरीका अमरीका कर रही और फिर गई नहीं। जिसे जो के नहीं कहे, जिसे जो लगता है लगे। मेरे लिए मेरी छोटी खुश है, ठीक है, वही मायने रखता है। अब लोग क्या कहेंगे क्या करेंगे इससे मुझे ना कभी फर्क पड़ा है और ना ही पड़ेगा कुर्मा। मतलब आप ही जरा सोचे ना गुरुमा, मैं वहाँ अमेरिका जाकर ऐसे हंस हंस के फोटो खिंचाऊँ, इंटरव्यू दूँ और बातें करूँ, और यहाँ सात समुद्र पार मेरी बेटी मेरे लिए चीखती रहे, चिल्लाती रहे, रोती रहे, तड़पती रहे, नहीं होगा मुझसे। तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए मैं अपनी बेटी की रोने की आवाज़, उसकी चीखें सुनना बंद कर दूँ, नहीं होगा मुझसे गुरुमा। अपने सपनों की, अपनी खुशियों की इतनी बड़ी कीमत नहीं दे सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।